नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। हम रोज़ाना सब्जी में हरा धनिया डालते हैं। हरे धनिए से सब्जी का टेक्सचर और स्वाद दोनों ही अच्छा हो जाता है। लेकिन आज हम हरे धनिया आलू की सब्जी बनाएंगे। हरे धनिया आलू की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए देखें, हरे धनिया आलू की सब्जी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ये हमने 250 ग्राम हरा धनिया लिया है, मोटे डंडे काट दिए हैं और पत्तों को दो बार अच्छे तरीके से डूबते हुए पानी में धो करके छलनी में निकाल के रख लिया और पानी सूखने तक सुखा लिया है। तो ये हमारे वॉश्ड धुले हुए सूखे हुए हरे धनिया हैं। ये हमने चार आलू यानी कि 250 ग्राम आलू ले लिए हैं और वो भी हमने धो करके रख लिए हैं। दो टेबल स्पून सरसों का तेल। हरे धनिया आलू की सब्जी सरसों के तेल में ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, वैसे आप कोई भी तेल ले सकते हैं। दो पिंच हींग पाउडर, आधा छोटी चम्मच जीरा, एक इंच अदरक का टुकड़ा जो हमने बारीक कद्दूकस कर लिया है, दो हरे मिर्च छोटे छोटे काट लिए हैं, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक या स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे, एक चौथाई छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, एक चौथाई छोटी चम्मच लाल मिर्च और एक चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। तो हरे धनिया आलू की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू को छील करके काट करके और छौंक देंगे। आलू छील कर तैयार करते हैं। ये आलू हमने छील लिए, कढ़ाई गरम हो गई है, कढ़ाई में तेल डाल देंगे और आलू को हम 6 टुकड़ों में काट करके तैयार कर लेते हैं, 6 या 8। तेल गरम हो गया है, तेल में हम जीरा डाल देंगे, हींग डाल देंगे, जीरा भुनने के बाद हरी मिर्च, अदरक, और अब ये कटे हुए आलू, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक और अब हम आधा कप पानी डाल देंगे और आलू को धीमी गैस पर 5-6 मिनट पकने देंगे, फिर चला करके सब्जी को चेक करेंगे। और जब तक हमारे आलू पकते हैं तब तक हम हरा धनिया काट करके तैयार कर लेते हैं। धनिया का हम बंच बना लेंगे हाथ में और चॉपिंग ब्लेड से बारीक काट लेंगे। बोर्ड पर चाकू से भी काट सकते हैं, तो जैसे आसान लगे उस तरीके से हम धनिये को काट कर तैयार कर लेंगे। ये धनिया हमने काट करके तैयार कर लिया और 6 मिनट हो गए हैं। आलू चेक कर लेते हैं। आलूओं को हम अच्छे तरीके से चला देंगे और चेक कर लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि अभी आलू थोड़े से सख्त हैं, तो अभी हम 2-3 मिनट के लिए इन्हें और पकने के लिए धीमी गैस पर ढककर के रहने देते हैं और इसके बाद चेक करते हैं। आलू चेक कर लेते हैं। आलू हमारे
एकदम नरम हो गए हैं और हमने आलू को फिर से 6 मिनट पका लिया। बीच में चेक किया, चलाया और थोड़ा पानी कम लग रहा था तो 2 टेबल स्पून पानी डाल दिया। आलू एकदम अच्छे कुक हो गए हैं। आलू में हम ये अमचूर पाउडर डाल के मिला देंगे, मिक्स कर देंगे। और अब ये धनिया डाल देंगे। मिक्स करेंगे और बस 1-2 मिनट चला करके कुक कर लेंगे, सब्जी तैयार हो जाएगी। क्योंकि धनिया को ज़्यादा नहीं पकाना होता, वो तुरंत जरा सी गर्मी पाते ही नरम हो जाता है। सब्जी बन करके तैयार है। सब्जी को हम प्याले में निकाल लेंगे, गैस बंद कर देते हैं। हरे धनिया आलू की सब्जी बन करके तैयार है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी सब्जी बनी है। हरे धनिया आलू की सब्जी को चपाती, पराठे, नान या चावल के साथ परोस सकते हैं और इतनी सब्जी परिवार के 3-4 सदस्यों को साइड डिश के रूप में परोसी जा सकती है। आप हरे धनिया आलू की सब्जी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर से मिलते हैं nishamadhulika.com पर।